एक रात एक इंजीनियर अपने कुत्ते के साथ वॉक पर निकला। उसने अपने कुत्ते की चेन खोली, अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और कहा, मुझे जीने का कोई हक नहीं, और ये कहकर उसने खुद को गोली मार दी। इससे पहले कि लोग गोली की आवाज सुनकर उसके पास आते, ये ब्रिटिश इंजीनियर मर चुका था। मगर सवाल ये था कि इंजीनियर था कौन और उसने खुद को गोली क्यों मारी। एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम में एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कर्नल ब्रोक से कहा गया था कि वो शिमला रेलवे लाइन की टनल 33 को बनाए। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी और मजदूरों को दोनों तरफ से पहाड़ ड्रिल करने के लिए कहा। महीनों तक ड्रिलिंग करने के बाद पता चला कि कर्नल ब्रोक की कैलकुलेशंस ठीक नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से ड्रिलिंग करने पर एंड्स नहीं मिले। ब्रिटिश सरकार ने इस गलती की वजह से कर्नल बरोग पर ₹1 का फाइन डाल दिया। इस बेइज्जती के बाद कर्नल बरोग ने टनल 33 के पास अपने रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया। फिर ये प्रोजेक्ट दूसरे चीफ इंजीनियर हैरिंगटन को मिला, लेकिन उसे भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। फिर शिमला का एक गरीब अनएजुकेटेड इंडियन मिला जिसका नाम था भलकुराम। ये अनएजुकेटेड तो था, लेकिन उन ब्रिटिश इंजीनियर से ज्यादा स्मार्ट था। ये पहाड़ के पास जाता और उसे लकड़ी से मारता, उससे आ रही आवाज को सुनता और मजदूरों को डायरेक्शंस देता कि किस डायरेक्शन में खोदना चाहिए। और फाइनली इसकी हेल्प से ब्रिटिश सरकार ने कालका से शिमला तक रेलवे लाइन बनाई। भलकू की याद में शिमला रेलवे स्टेशन पर आज भी म्यूजियम अवेलेबल है। क्वालिटी 2, दे वर्क एंड डू नॉट रिएक्ट। यार तुम लोग इतने छोटे हो कि हमारी कंपनी तुम्हें चबा के थूक दे और तुम्हें पता भी ना चले। ये लाइंस सुब्रतो बागची को कही गई थी जब वो जीएम में अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगने गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि अगस्त 1999 में 10 लोगों ने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़कर आईटी कंपनी खोली। गोल ये था कि वो नेक्स्ट इंफोसिस बनेंगे, लेकिन जब भी ये अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगने दूसरी बड़ी कंपनीज के पास जाते तो इनकी हमेशा बेइज्जती होती। एक बार इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना जीएम के पास जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाए, क्योंकि वो अपनी कंपनी का काफी बड़ा टेक बाकी दूसरी छोटी कंपनी से बनवाते थे। बहुत सी छोटी कंपनीज इनके ऑफिस के बाहर लाइन लगा के रहती थी, क्योंकि सबको पता था कि अगर इनसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो खुद की कंपनी सक्सेसफुल जरूर होगी। जीएम के रिप्रेजेंटेटिव ने इनसे पूछा कि कितना साइज है तुम्हारी कंपनी का। सुब्रतो ने कहा 140 करोड़ रुपए। वो रिप्रेजेंटेटिव हंसने लग गया और यहाँ पर वो बोला, इतनी छोटी कंपनी है यार तुम्हारी, मैं चबा के थूक दूं, जाओ यहाँ से चले जाओ, हम सिर्फ बड़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सुब्रतो कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम चुप रहे और हंस दिए और वहाँ से चल दिए। सुब्रतो बागची की कंपनी का नाम माइंडट्री है, जिसकी आज वैल्यूएशन 48,000 करोड़ रुपीज है। और आज इनके दूसरे फाउंडर अशोक सूटा जी ने एक और कंपनी खोली है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वैल्यूएशन 12,000 करोड़ है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है रिलेंटलेस वर्किंग। जर्मनी में तीन भाई हैं जिनका नाम है ओलिवर, मार्क और अलेक्जेंडर सैमवर। अब ये तीन सैमवर भाई बिलियनर बन चुके हैं, क्योंकि इनका काम है कि अमेरिका की टॉप कंपनीज देखो कि कौन सी चल रही है और उनकी जल्दी से यूरोप में कॉपी कर लो। और जब अमेरिका की ओरिजिनल कंपनीज यूरोप में एक्सपैंड करने आएगी तो ये कंपनीज उन्हीं ओरिजिनल कंपनीज को बेच दो। अब हुआ ये कि 2011 में अमेरिका में एयरबीएनबी नाम की कंपनी फेमस हो रही थी, तो इन्होंने इसकी कॉपी कंपनी विमडू जल्दी से यूरोप में लॉन्च कर दी, जिसका बिजनेस मॉडल और इवन की यूआई तक बिल्कुल एयरबीएनबी जैसा था। इन सैमवर ब्रदर्स ने 630 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स ली थी, 20 ऑफिसेज खोल दिए थे और इवन 400 एम्प्लॉइज को हायर कर लिया था। और एयरबीएनबी के फाउंडर ब्रायन को फोन करके कहा कि हम ये कंपनी विमडू तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके बदले हमें एयरबीएनबी का 25% चाहिए। ब्रायन डर गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही ऑफिस था और ये उनका फर्स्ट बिजनेस था, इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता था कि सेकंड ऑफिस कैसे खोले। ग्रुपॉन कंपनी के साथ भी सैमवर ब्रदर्स ने एग्जैक्टली यही किया था, इसलिए ब्रायन ने ग्रुपॉन के सीईओ एंड्रयू मेसन को फोन किया और कहा कि मैं सिचुएशन में क्या करूं। इस पर ग्रुपॉन का सीईओ बोला, यार ठीक तो है, डील कर लो, क्योंकि हमने भी इन्हें 10% अपनी कंपनी का दिया था और ओवरऑल हमें फायदा ही हुआ है, हम यूरोप में जल्दी एक्सपैंड भी कर पाए। बट ब्रायन खुद एक इंट्रोवर्ट थे और उन्होंने दूसरे इंट्रोवर्ट को फोन किया जो कि फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग थे। मार्क ने इनसे कहा कि एयरबीएनबी का 25% मत दो, जो अच्छा प्रोडक्ट है वही जीतेगा, बस तुम बिना रुके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहो, और उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रायन ने कुछ ही महीने में 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाई, 9 देशों में अपने ऑफिसेज खोले और विमडू के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को भी खरीद लिया। नेक्स्ट क्वालिटी आती है एनर्जाइज्ड बाय बीइंग अलोन। सुजैन कैन जब छोटी थी तो उनके स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें स्कूल के सारे बच्चे शहर के बाहर जाकर एक पिकनिक बनाएंगे। सुजैन एक रीडर थी, इसलिए वो कैंप में बुक्स लेके चली गई। जब सुजैन ने कैंप में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पर उनके टीचर आ गए और कहा कि कैंप में बुक्स पढ़ना अलाउड नहीं है। कैंप का गोल है एक्सट्रोवर्ट बनना, कॉन्फिडेंट बनना, ना कि दब्बू की तरह बैठे रहना। सुजैन को लगता था कि उन्हें सब इंट्रोवर्ट मानते हैं, इसलिए बनना तो वो राइटर चाहती थी, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से वो एक लॉयर बन गई। सुजैन कहती है कि बहुत से इंट्रोवर्टेड बच्चे अपनी मर्जी का करियर नहीं चूज कर पाते, क्योंकि स्कूल सिस्टम ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि एक्सट्रोवर्ट ही दुनिया को जीतेंगे। सुजैन को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट, जिसमें वो कहती है कि अगर हम एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए मजबूर करते हैं तो इसमें उनके साथ साथ सोसाइटी का भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इंट्रोवर्ट ही वो लोग हैं जो क्रिएटिव होते हैं,
बहुत देर तक बैठकर फोकस्ड मोड में चीजों पर काम कर सकते हैं। टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे सारे लोग इंट्रोवर्ट्स ही हैं, जिन्होंने दुनिया को बदला है। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है कि इन साइलेंस यू अचीव द स्टेट ऑफ फ्लो। एक बार एक बूढ़े आदमी से अपनी घड़ी खो गई। इस पर वो बहुत परेशान हुए क्योंकि वो घड़ी उसकी वाइफ ने उन्हें दी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें वो घड़ी नहीं मिली। वो अपने घर से बाहर निकले और सामने खेलते हुए बच्चों को कहा कि तुम में से जो भी घड़ी ढूंढेगा उसे मैं एक रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनते ही सारे बच्चे उनके घर में आ गए और घड़ी ढूंढने लग गए। लेकिन जब बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन बच्चों को घड़ी नहीं मिली तो वो एक एक करके उसके घर से वापस जाने लगे। उन बूढ़े इंसान को समझ आ गया था कि अब शायद वो घड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा उनके घर पर आया और बोला कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं उस घड़ी को ढूंढ सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने हाँ कर दिया क्योंकि वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा आया और उसने वो घड़ी उन बूढ़े इंसान को दे दी। इस पर वो बूढ़े इंसान हैरान हो गए कि बाकी किसी भी बच्चे को वो घड़ी नहीं मिल रही थी लेकिन तुम्हें कैसे मिली। इस पर वो लड़का बोला कि इस वक्त यहाँ पर कोई आवाज नहीं है, सब साइलेंस है, मैं बस आंखें बंद करके घड़ी की आवाज सुन रहा था और जब मुझे आवाज आई तो मैं उसी डायरेक्शन में चले गया और मुझे कोने में ये पड़ी हुई घड़ी मिली। इस पर वो बूढ़े अंकल बहुत खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। अब है तो ये फिक्शनल स्टोरी लेकिन इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है। अगर हमें हाइपर फोकस्ड मोड में जाना है यानी फ्लो स्टेट में जाना है तो वो सिर्फ पावर ऑफ साइलेंस से ही पॉसिबल है। कोई भी बड़ी डिस्कवरी किसी ने भी की हो, सबने साइलेंस में सालों तक काम किया था, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर पाए। जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो अगर आप उनसे मिलके बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रोवर्टेड इंसान, लेकिन अगर ज्यादा लोगों से मिलके आपकी एनर्जी कम होने लगती है तो आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान है। साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर जोनाथन चीक के अकॉर्डिंग दुनिया में चार टाइप के इंट्रोवर्ट्स हैं। ये लिस्ट को सुनिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से टाइप के इंट्रोवर्ट हो। पहला, सोशल इंट्रोवर्ट। ये वो लोग हैं जो शर्माते किसी से भी नहीं है लेकिन ये सोचते हैं कि कम लोगों में ये ज्यादा बेटर लाइफ गुजार सकते हैं। जैसे कि इनोवेट 8 के फाउंडर डॉक्टर रितेश मलिक इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनका कहना है कि मैं अपनी लाइफ में 10 लोगों से ज्यादा किसी को नहीं आने देता। दूसरा, थिंकिंग इंट्रोवर्ट। ये जीनियस टाइप वाले लोग हैं, अपने दिमाग में बहुत सी स्टोरीज बनाते रहते हैं और इतना खो जाते हैं कि औरों के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। इसमें इंक्लूडेड है एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग, जो दिमाग में ही लाइट से रिलेटेड सोचते रहते थे और इन्हें वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स बोलते थे। भलकू जैसे लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तीसरा, एंक्शियस इंट्रोवर्ट्स। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में ज्यादा लोगों के बीच में आ जाए तो नर्वस होने लगते हैं, ये अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। इसलिए अगर ये भी किसी पार्टी में जाते हैं तो एक इंसान के साथ जल्दी बॉन्ड कर लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो इंसान इनके साथ रहे और ये दोनों पार्टी के बाहर चले जाए, बट इन लोगों की भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। चौथा, रिस्ट्रेंड इंट्रोवर्ट। ये वो लोग हैं जो पहले किसी को भी अपने कम्फर्ट जोन में नहीं आने देते लेकिन जब किसी के साथ फ्रेंडली हो जाए तो उसके बाद ये उनसे बहुत घुल मिल जाते हैं। तो मेन पॉइंट है कि इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटीज क्या हैं। सबसे पहली क्वालिटी है दे एंजॉय सॉलिट्यूड, यानी उन्हें अकेलापन पसंद है। जैसे कि भलकू ने जब अंग्रेज सरकार की मदद करी तो वो सब छोड़ के कहीं चले गए और किसी को नहीं पता वो कहां गए थे। नेक्स्ट क्वालिटी है रिलेंटलेस वर्क। जैसे कि जब एयरबीएनबी के फाउंडर को पता चल गया था कि उनका बिजनेस कॉपी हो रहा है तो उन्होंने बिना रुके बहुत जल्दी अपने बिजनेस को स्केल किया। नेक्स्ट क्वालिटी आती है दे डू नॉट रिएक्ट। माइंडट्री के फाउंडर सुब्रतो बागची की जब जीएम में बेइज्जती हुई और उनसे कहा गया कि कंपनी हम चबा के थूक दें तो इस पर उन्होंने बस स्माइल किया और अपनी कंपनी को आज 48,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है दे गेट एनर्जाइज्ड बाय बीइंग अलोन। इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जिनको एनर्जी तब आती है जब वो अकेले रहते हैं, लोगों के साथ रहकर उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए सुजैन कैन ने बहुत फेमस बुक लिखी है क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। नेक्स्ट क्वालिटी स्टेट ऑफ फ्लो, यानी साइलेंट जोन में रहकर हम हाइपर फोकस्ड स्टेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट्स पर बुक पढ़ना चाहते हैं जैसे कि क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स या फिर हाउ टू टॉक टू एनीवन, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप अपने फ्री टाइम को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर डालें। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।